पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजधानी शिमला के सद्भावना चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने व टेक्नोलॉजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज शिव जी की बहुत दूरदर्शिता थी, बहुत दूर तक वो सोचते थे। आज ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसका फायदा हम सबको मिल रहा है, चाहे वो उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने मारुति कार की एजेंसी एक शुरू की थी, फिर जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे हाथ में आज गैजेट्स है, ये उनकी सोच थी, उनकी वजह से आज हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की। और जहाँ तक महिलाओं की बात आपने पूछी, महिलाएं भी आज अगर सम्मान उनको समाज में मिल रहा है तो राजीव गांधी जी की वजह से। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनी, जिला परिषद की में की सदस्य बनी, और जो मान सम्मान महिलाओं को मिला और आगे आने का अवसर मिला, उसके लिए हम सदैव राजीव जी को याद रखेंगे।